दिल्ली में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने चौथे बजट को लेकर कहा कि कोरोना काल के मद्देनजर ये बजट काफी अच्छा है। इस समय दुनिया की अर्थव्यवस्था खराब है, लेकिन ऐसे में भारत बेहतर तरीके से उभर रहा है। क्या कुछ और कहा, सुनिए जरा। हमारी यही रहेगी कि हम बेहतर ढंग से हिमाचल प्रदेश के लोगों की अपेक्षाओं को पूर्ण कर सके। हम इस बात से सहमत हैं कि काफी बड़ा संकट कोविड का जो रहा है, उसमें कुछ चीजें प्रभावित हुई हैं, थोड़ा असर जरूर दिखेगा, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमारा बजट बेहतर होगा हिमाचल के विकास के लिए। निश्चित रूप से हमको उससे सबक सीखने की आवश्यकता है, और ये घटना जो घटित हुई है, जिसके कारण वहां की परिस्थिति हुई है, बहुत लोगों की जान उसमें गई है, दुखद विषय है। और हिमाचल प्रदेश में भी हाइडल सेक्टर में हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसी जगह हैं जहां इस तरह के जो है वो ग्लेशियर की संभावनाएं व्यक्त की जाती हैं। हम उन सारी चीजों को एग्जामिन कर रहे हैं। हमने जो हमारे पावर सेक्टर के सभी अधिकारियों के साथ भी हमने बातचीत की है, रेवेन्यू के भी, और उसके साथ साथ में डिप्टी कमिश्नर्स को भी हमने कहा है कि ऐसी चीजों को लेकर के सावधानी की दृष्टि से जो भी किया जा सकता है उन सारी चीजों को लेकर करने की कोशिश करें। देखिए, बिल्कुल विपक्ष जो है ऐसी चीजों पर अपने आप को जो है जिस प्रकार से वो राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। देश की एकता और अखंडता हमारे लिए सर्वोपरि है, और हमारे रक्षा मंत्री जी ने जो बात कही है कि देश की एक इंच भूमि भी कोई नहीं ले सकता है, ये भारत मजबूत राष्ट्र है, और विशेष तौर से नरेंद्र भाई मोदी जी जैसे मजबूत नेतृत्व में भारत जब चल रहा है तो ऐसे में कोई हिम्मत ही नहीं कर सकता है। ऐसे में राजनीतिक दृष्टि से कांग्रेस पार्टी को परहेज करना चाहिए। एक तो कोविड के संकट से भारत बाहर निकला, जिसके लिए उनको लग रहा था कि बहुत बड़े संकट में से बजट में ये टैक्स लगेगा, वो टैक्स लगेगा, ऐसी बहुत सारी बातों को लेकर के वो मान के चल रहे थे। टैक्स बजट जो हमारा बहुत संतुलित आया, बहुत बेहतरीन आया, डेवलपमेंट की उसमें हर तरह की संभावनाएं हैं, और ऐसे में अब हट करके इस तरह से कोशिश कर रहे हैं राजनीतिक मकसद लेने के लाभ लेने की दृष्टि से, जो देश की सेना का मनोबल तोड़ने के लिए और देश की एकता और अखंडता पर जिस प्रकार का प्रश्नचिन्ह खड़ा करना।